धरती पर जो भी धाराएं लगाई गई हैं वो न तो संविधान सम्मत है, न न्याय सम्मत है, न उन कानूनी धाराओं की संगति में है जिन्हें उन पर लगाया जाए। वो भी नहीं कहती कि हमको इन पर लगाया जाए। इसलिए ये तो बिल्कुल एक खराब बात है। और खराब बात क्यों है, मैं एक दो बातें सिर्फ इस पर कहना चाहता हूं। आमतौर पर लोगों को लग रहा है कि धर्म को सत्ता से जोड़ दिया जा रहा है, बात यह नहीं। दरअसल एक और भी बड़ी दिक्कत है, वो कबीर का एक पद है, ये कचरत देखा रे भाई थाड़ा सिंह चरावे गाय। तो धर्म की गाय सत्ता के सिंह चरा रहे, और उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। समुदाय सद्भाव के भी गाय को चरा रहे हैं, धार्मिक सद्भाव के भी गाय को चरा रहे हैं, और उत्पाद खुद रच रहे हैं। बीसियों दंगे छोटे बड़े प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष डेढ़ वर्ष के महज डेढ़ वर्ष के शासन में, मुलायम शासन में हो चुके हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ है। हैदराबाद जैसे दंगे में भी, जिसकी जानकारी अच्छी तरह से सबको है, किसी अफसर को दंडित नहीं किया गया, किसी कम्युनल एलिमेंट को दंडित नहीं किया गया। ठीक उसी तरह से आरक्षण आग लगी हुई है। तो सांप्रदायिक सामुदायिक उन्माद पैदा करने का काम खुद सत्ता कर रही है, उसे मुफीद लग रहा है। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि डेढ़ वर्ष का यह शासन, महज डेढ़ वर्ष, वो भी एक युवा मुख्यमंत्री, लेकिन जनता के भीतर ऊब पैदा हुई है। लग रहा है कब से ये पीठ पर बैठा हुआ, ऊब पैदा हुआ है उत्तर प्रदेश। इसके साथ आप यह जान लीजिए, मैं आपको बताऊं कि ये सोच समझ करके किया जा रहा है, जातीय उन्माद पैदा हो, सामुदायिक उन्माद पैदा हो, धार्मिक उन्माद पैदा हो, और इसके लिए जो इसके पक्ष में सच बोलेगा, जैसे कौन भारती ने कहा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा उन्हीं आरोपों में। जबकि करा रही है सत्ता, उसके समर्थित लोग, मंगले जेनेटिक का संगठन, सारे लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन दंडित किए जाएंगे आप अगर इसके खिलाफ सच बोलेंगे। तो सच पर पाबंदी का, अभिव्यक्ति की आजादी को मैं इसी रूप में समझता हूं कि सच पर पाबंदी के लिए सारी सत्ताएं जो किसी रंग की हो वो सक्रिय हो गई, और ये एक चुनौती है हमारे सामने। मैं आपको एक दूसरी बात उत्तर प्रदेश की बताना चाहता हूं कि हिरासत में मौतें, बीसियों लोगों की हिरासत में मौत हुई है, जिसमें से अधिकांश दलित और मुस्लिम। महिलाओं पर जो है उसको तो छोड़ ही दीजिए, वो जारी है बदस्तूर, लेकिन हिरासत में मौतें, जिसे कभी एक जज ने, मुझे नाम नहीं याद रहा है, शायद मारकंडे काजोई का वो स्टेटमेंट था कि हिरासत में मौत को जिम्मेदार लोगों को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वो तो संरक्षक है उसके, कानून व्यवस्था के, और उन्हीं के यहां मौत हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी दसियों मौतें इसी बीच हुई है। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये राजनीति किस तरह से चल रही है उसको भी आप समझिए, कि दोनों के दोनों प्रमुख दल जो उत्तर प्रदेश के हैं, मैं बहुत इशारतन कहना चाहता हूं सपा और बसपा, दोनों के दोनों अभी प्रभु वर्गों को रिझाने में लगे हुए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में दबंगों और सामंतों का उत्पात बढ़ा हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक मजदूर ने सिर्फ यह कहा गोपीगंज में, भदोही में, कि मेरी तबीयत खराब है, आज मैं आपकी मजदूरी करने, मजदूरी करने के लिए बुलाने गए थे, उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है और मैं आज नहीं जा सकता आपकी मजदूरी करने, पीट पीट के मार डाला। सपा का वहां MP MLA है, समझ लीजिए, पीट पीट के मार डाला, एक लड़के को उठा करके सीधे गाजीपुर में पुलिस हिरासत में ले गई, उसका
कोई दोष नहीं, यूं ही किसी की खोज में गए, किसी को पकड़ लिए, जैसे अंग्रेज शिकार खेलते थे। मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से दमित लोगों का, दलित लोगों का, उत्पीड़ित लोगों का, कमजोर लोगों का शिकार हो रहा है सत्ताओं के जरिए, और हमें, हमारे सामने चुनौती है। हमें इसके लिए खड़ा होना है, हमें इसके लिए एकजुट होना है। और ये जान लीजिए, कभी कभी नाम लेना ही खतरनाक होता है, और शायद सच को ज्यादा क्रूर ढंग से विव्यक्त करने का तरीका भी बन जाता है। अगर कोमल भारती के उस फेसबुक पर आलिम खां का नाम नहीं आया होता तो हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं करके इनको भी खा पी लिया जाता। कभी कभी चीजें आप छू लेते हैं और वो आग मचा देते हैं। क्योंकि अब मैं नाम तो कहना तो नहीं चाहूंगा, वो महज आजम नहीं, वो मुगले आजम है, वो दीवार में चुमा सकते हैं आप ये जान लें। इसलिए इन मुगले आजमों के खिलाफ जो आजादी, सच्चाई और अभिव्यक्त की स्वतंत्रता के सिपाही हैं, उनकी एकजुटता बहुत जरूरी है। ये तो केवल एक अवसर है, ये हमारे साथी भी हैं और हमारे सिपाही भी।